स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद हिप्सिंग में। देखिए फ्रेंड्स, ट्यूबवेल ऑपरेटर एग्जाम के लेटेस्ट ब्रेकिंग अपडेट है ये। पूरी टाइम टेबल आ चुकी है, 16 मार्च से शुरू होगी, 6 अप्रैल तक पूरी ये जिला आवंटन की प्रक्रिया चलेगी जो कि ऑफलाइन बेसिस पे होगी। कल ही मैंने वीडियो के थ्रू सारी चीज़ डिटेल में आपको दे दी थी, पूरी PDF डाउनलोड की है मैंने और पूरी एक एक डिटेल डिस्कस करें। साथ ही साथ उसमें 2 प्रारूप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको हार्ड कॉपी निकालना पड़ेगा, उसको भर के तब वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। और क्या क्या डिटेल है इस पूरी PDF में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, किसी भी वैकेंसी के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ फ्री अवकाश क्रैश कोर्स चला जाता है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो इस टाइम हम आप आ चुके हैं UP गवर्नमेंट के इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट idup.gov.in पे। यहाँ सबसे पहले ऊपर ही दे रखा है ट्यूबवेल ऑपरेटर डिवीजन अलॉटमेंट शेड्यूल जो कि 304 KB की है। ठीक है, पूरी हिंदी में है, मैं दिखा देता हूँ, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ इसको। दोस्तों देखो, इस जो वो में है प्रेषक मुख्यवेंता नलकूप मध्य लखनऊ अध्ययन अध्यक्ष खंड आवंटन समिति। देखिए इसमें जो विषय है वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इन नियुक्ति के संबंध में कृपया उपरोक्त विषय उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराई गई ग्रेडेशन लिस्ट खंडवार रिक्तियों की सूची सिंचाई विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में विज्ञप्ति 8 प्रतियों में CD सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है। कृपया इसका प्रशासन प्रदेश के 4 ख्यात प्रत समाचार पत्रों में तथा 2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों में 2 बार प्रकाशित करने का कष्ट करें। जैसा कि AK पांडे जी से जब भी बात होती थी वो बताते थे कि आपको वेबसाइट पे इस पहले शो की जाएगी, उसके बाद समाचार पत्रों में भी शो की जाएगी। जो लोग नहीं विजिट कर पा रहे हैं उनके लिए भी वो सब चीज़ें रही थी। यो तो वो फर्स्ट पेज की डिटेल थी, यहाँ पे मैं सेकेंड पेज की डिटेल को बता देता हूँ। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी दे रखी हैं, इन सबको पूरे ध्यान से आपको पूरा देखना है। PDF अगर आप ये इस वीडियो को मिस करते हैं तो समझ लो आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। देखिए इसमें दे रखा है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश यांत्रिक संगठन में नलकूप चालक के पद पर कई चयनित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन। देखिए ये पूरी है, इन्होंने बताया कि उपलब्ध कराई गई ग्रेडुएशन लिस्ट सिंचाई विभाग की वेबसाइट www.idup.gov.in पर उपलब्ध है। विभाग में खंडवार नलकूप चालकों के रिक्त पदों की भी सूची इस वेबसाइट में अपलोड की जा चुकी है। ठीक है, तो अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ पर कितने कितने पोस्ट हैं, पूरी चीज़ सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। इसमें चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वेबसाइट पर ही अपलोड किए गए प्रारूप 1 और प्रारूप 2 को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी पर अपने अवांछित प्रविष्टियां सूचनाएं भरकर तैयार रखें। यह भी अपेक्षित है खंड आवंटिंग की प्रक्रिया 16 मार्च 2020 से आरंभ की जाएगी, जिसका संपूर्ण विवरण सिंचाई विभाग कार्यक्रम सिंचाई विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी में है सब कुछ, मैं डिस्कस करता हूँ अभी। ठीक है, किसी अन्य जानकारी की हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जा सकती है वह वेबसाइट पर उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार अपने योग्यता क्रमांक है जो फ्रेंड लिस्ट जारी की है उसमें जो आपका मेरिट वाइज जो क्रमांक है उसके अनुसार है। अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा तो वहां पे भी एक बार मेंशन करूंगा। ठीक है, के अनुसार निर्धारित तिथि व समय पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया परिकल्प भवन तेलीबाग लखनऊ के सभागार में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। खंड आवंटन के पश्चात नियुक्ति आदेश के आवंटन खंड के अधिशासी अभियंता नलकूप द्वारा नियमानुसार निर्धारित किए जाएंगे। मतलब खंड आवंटन हो जाएगा, उसके बाद अगर जिस जिले में आपका आवंटन होना होगा उस जिले के अधिशासी अभियंता जो नलकूप द्वारा होंगे उनके द्वारा वो सब किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख सूचनाएं उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ में अपूर्ण हों उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आयोग से संपर्क कर इसको पूर्ण करा लें। देखिए ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे लोगों का कुछ सर्टिफिकेट रह गया है तो इसको कंप्लीट करवा लें। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं खंडवार। देखिए जनपदवार नलकूप खंडों में रिक्तियों का विवरण सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। देखिए मैं सबका डिस्कस नहीं करूँगा, पूरी PDF मैं ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो जनरल कैटेगरी के लिए ही रखा गया है अधिकांशतः, क्योंकि उनकी संख्या भी इसमें ज़्यादा है तो इसके आप लोग इधर उधर ना करिएगा। देखिए इसमें पूरी डिटेल देख रही है, सब लोग अपना अपना देख लीजिएगा जो जिस जिले से हैं। ठीक है, मैं कुछ पर्टिकुलर बताऊँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, ये सारे जिलों का है, नियर अबाउट 73 जिलों का किया गया है, लग रहा है 2 जिलों में है भी नहीं। ठीक है, अब देखिए ये पूरा कार्यक्रम डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, ये कार्यक्रम डिटेल्स है, पंजीकरण प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक और खंड आवंटन प्रातः 11 बजे से। पंजीकरण का मतलब जो रजिस्ट्रेशन होना होगा वो आपको इतने टाइम के बजे होगा, खंड आवंटन की प्रक्रिया है 11 बजे से। इसका मतलब ये है कि आपको एक दिन पहले पहुंचना पड़ेगा या तो जो आसपास के हैं वो सुबह ही। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, एक मिनट,
हाँ 16 मार्च देखो हर दिन कोशिश की जा रही, पहले दिन 200 अभ्यर्थियों का, ठीक है, और संकलन व संपादन कर, आई थिंक ये दो दो दिन लग रहा है, ये रुकवाएंगे वहाँ पे, ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग सब कुछ वहाँ पे, और सारी डिटेल चर्चा की जाएगी। 16 मार्च से स्टार्ट है। अब देखिए यहाँ पे है क्रमांक 1 से 200 तक, क्रमांक 1 से देखो 3210 लोगों की सीट जो आई है, डिटेल्स आई है, उसमें जो आपका क्रमांक है उसी के अनुसार आपको जाना है, ठीक है, और कुछ डिटेल्स होगी तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये पूरी डिटेल्स है। और ये देखो इन्होंने प्रक्रिया को काफ़ी खींचा है, ठीक है, ये मैं दिखा दूं आपको, 7 अप्रैल तक, पूरी 7 अप्रैल तक ये पूरी इसको खींचेंगे, ठीक है, हमको लग रहा है अब ये अप्रैल लास्ट तक गया पूरी डिटेल्स। देखिए जो प्रारूप शुरुआत में इन्होंने प्रारूप की बात की थी तो यही प्रारूप है, अभ्यर्थी अपना फोटो चिपकाकर इस प्रकार हस्ताक्षर करें, देखो तिरछे तरीके से उसे सिग्नेचर करना है, अभ्यर्थी का नाम, पिता नाम, जन्मतिथि, रोल नंबर, रेफरेंस नंबर, योग्यता सूची, क्रमांक संख्या, अस्थायी पता, परिचय पत्र का विवरण नंबर, परिचय पत्र जो आपका आधार कार्ड जो भी है, श्रेणी वगैरह में उप श्रेणी अगर है, दिनांक, ये सब, ये पूरी डिटेल्स भर के जानी है। साथ ही साथ देखिए इसमें नोट में देखिए उत्तर प्रपत्र को पूर्णतया भर कर फोटो को उपरोक्तानुसार हस्ताक्षर कर, बिंदु 6 में उल्लिखित किसी एक मूल पत्र के साथ खंड आवंटन हेतु निर्धारित स्थान तिथि समय पर प्रस्तुत करना। देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना, लेकिन लेके भी जाना है, लेके जाओ, अगर कोई मांगी जाती है तो आपको दौड़ना ना पड़े, ठीक है। लेकिन अभी पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं, अभ्यर्थी द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा परीक्षा है तो निर्गत प्रवेश पत्र भी मूल रूप में, ठीक है, ये सबसे आवंटन खंड आवंटन के समय प्रस्तुत करना होगा, मूल प्रवेश पत्र उपलब्ध न होने पर इस आशय का भापत्र प्रस्तुत करना होगा। आशय का मतलब ये नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना, शपथ पत्र देना पड़ेगा या तो डीबी के टाइम जो ले गए थे आप, ठीक। देखिए प्रारूप नंबर 2 है, इसको भी आपको पूरा निकलवा लेना है, ठीक है, इसको भी आपको पूरा निकलवाना है और पूरी डिटेल्स में भरिए। देखिए इसमें एक बड़ी चीज़ इन्होंने कहा, अब आपको इसमें बहुत बड़ा PDF निकलवाना पड़ेगा, बहुत बड़ा PDF नहीं मतलब 4-5 पेज तो निकलवाना ही पड़ेगा, पहले प्रारूप का हो गया, दूसरे प्रारूप में ये सब सारी डिटेल्स हैं। अब देखिए इन्होंने जो ऐच्छिक विकल्प की क्रमांक है, पहले तो इन्होंने कहा था 4 भरवाएंगे, अब इन्होंने पूरी 73 लिस्ट ही दे रखी है, ये देखिए पूरे जिले की लिस्ट डाल रखी है, तो आप सबको ये पूरा निकलवा के जाना पड़ेगा, आप 73 भरो या ना भरो, लेकिन आपको ये पूरा लगभग 4, 5, 10, 12 भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरी थी डिटेल्स, अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, मैंने कोशिश की है कि इसमें आपको पूरी डिटेल्स दी। फ्रेंड्स इतना पूरा सब कुछ डिस्कस किया तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, ठीक है, और वीडियो के लास्ट में एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो के लास्ट में 2-3 वीडियो आएंगे उसको भी जरूर देखिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को क्लोज करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।